अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं एक पेट्रोल पंप के ऊपर। तो डीलर एसोसिएशन ने कल हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा रश लग चुका है, मोटरसाइकिलों की लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि कल 25 नवंबर है। डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, पूरे मुल्क में पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो गए, इसलिए जो है मोटरसाइकिलों की लाइनें आप देख सकते हैं। मैं खुद भी अभी 460 रुपये का जो है वो पेट्रोल 3 लीटर दिलवा के मैं गया हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ, काम कर दूँ, ताकि आप भी जल्द अज जल्द जो है अपने बाइक्स में अपनी गाड़ियों की टैंकी जो है हम फुल करवा लें, ताकि आप ने अगर दफ्तर जाना है, जो भी अपनी ड्यूटी पे जाना है, तो आप परेशानी से बच सकें। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश लग चुका है, अभी तो टाइम पड़ा है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो बोतलें भी लेके आए हुए हैं, मोटरसाइकिल साथ लेके आए हुए हैं, कुछ मोटरसाइकिल में डलवा रहे हैं तो कुछ बोतलों के अंदर डलवा रहे हैं। अभी आप गौर से देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश लग चुका है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये मोटरसाइकिलों की लाइनें लग चुकी हैं। ये देखें, 3-4 जगह पर जो है पेट्रोल डाल रहे हैं, तो चारों तरफ जो है रश लगा हुआ है। ये BSO का पेट्रोल पंप है मुल्तान में, और यहाँ पे जो है रश लग चुका है पेट्रोल दिलवाने की वजह से। बहुत सारा आप देख सकते हैं दोस्तों कितना रश लगा हुआ है मोटरसाइकिलों में, सारे जो है पेट्रोल डलवा रहे हैं।